नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। किशनी में भाजपा का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ की पूर्व विधायक व महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया ने भाजपा सरकार की जोरदार तारीफ की। वहीं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बीना श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा के विकास को देखते हुए नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए हमारे संवाददाता आमिर चक की रिपोर्ट। रविवार को नगर में सहकारी संघ में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भाजपा की महिलाओं को कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सराहा। महिला मोर्चा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलीगढ़ की पूर्व विधायक व महिला आयोग की सदस्य राम सखी कठेरिया ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने महिलाओं को कई योजनाएं चलाई हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं को धुएं से छुटकारा के लिए योजना जैसी बड़ी योजना का लाभ दिया है। भाजपा सरकारों द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आयुष्मान योजना, अंत्योदय राशन कार्ड योजना सहित कई महिला हितकारी योजना चलाई गई हैं। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बीना श्रीवास्तव ने कहा, भाजपा के विकास को देखते हुए नरेंद्र मोदी दोबारा देश के पीएम बनेंगे। कार्यक्रम में रामशंकर तिवारी, तृप्ता दुबे, सुरेंद्र साक आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? रामशंकर तिवारी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी। क्या कार्यक्रम है आज तिवारी जी? ये कमल शक्ति अभियान पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की एक योजना है। कमल शक्ति अभियान के अंतर्गत समाज में रहने वाली, चाहे वो किसी क्षेत्र में काम कर रही हों, चाहे आंगनवाड़ी हों, चाहे आशा हों, चाहे एनएम हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे रोजगार सेवक हों, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो महिलाएँ हमारी काम कर रही हैं, उन महिलाओं को महिला मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई है, उसके माध्यम से हम इन महिलाओं को जागृत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों का हम इन्हें बताएंगे कि किस तरह से पार्टी ने महिलाओं के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए कटिबद्ध है। इसलिए ये कमल शक्ति अभियान के अंतर्गत हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की अग्रिम रूपरेखा तय करेंगे। यह मेरा अभियान है। क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव। क्या पता है आपके पास? जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। किस चीज़ का कार्यक्रम है आज मैडम? ये आंगनवाड़ी और शिक्षा मित्र और ये क्या होता है, आंगनवाड़ी आशा, आशा है और आंगनवाड़ी ये समूह, इन लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। केंद्र सरकार ने ये प्रोग्राम रखा है, इनका सम्मेलन है आज। इसमें क्या क्या बताएंगी आप इनको? ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए। अपना सशक्तिकरण चल रहा है, महिलाओं के लिए जो दी गई हैं योजनाएं वो बताएंगे।